अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन फॉर फैमिली। मैं हूँ मुज़दलफ़ा। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके रिज्क में, आपके खानों में बरकतें डाले। अल्लाह पाक आप पे अपना फ़जल और करम फरमाए। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है शरबत रूह अफ़ज़ा, जो घर में बनाना बिल्कुल नहायत ही आसान और केमिकल से पाक। चले हम आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है ये मैं साथ साथ बनाती हूँ और आपको साथ साथ बताऊँगी। चले हम चूल्हा मैंने ऑन कर लिया है, रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये हाफ के जी पानी है, ये हाफ के जी मैंने पानी डाला है और हाफ के जी मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। चीनी ऐड करते साथ चम्मच को हमने साथ साथ ये चीनी और पानी मैंने डाल दिया है। इसको हम हल्की हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दिया मैंने। साथ में ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यहाँ पर हमने ये डालनी है टाटरी है आधा चम्मच, और आधा चम्मच से कम ही हमने नमक डालना है। इसको हमने यहाँ पे पकाना है। आप देख सकते हैं ये जो हमारा शीरा है ये पक रहा है। जो शरबत हम घर में बनाते हैं वो केमिकल से पाक होता है। बाजार वाला जो होता है उसमें कई तरह के केमिकल होते हैं जो सेहत के लिए ठीक नहीं भी होते। जो घर में बनाते हैं वो इजी भी बन जाता है और कम पैसों में बन जाता है। तो साथ में ये कहना चाहूँगी कि अगर मेरे से बनाने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना। ये आप देख सकते हैं जो हमारी चीनी है वो हल हो गई है। इस स्टेज पे अब हम इसमें ये अपना फूड कलर डालेंगे। फूड कलर डालने से पहले आप ये बात जहन में रखना, अगर आपके पास जो कलर है वो अच्छा और म्यारी कंपनी का होना चाहिए। अब मैं इसको इसमें डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालूँगी जितना हमें कलर चाहिए उस हिसाब से। तो चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये मैंने कलर इसमें ऐड कर दिया है, अब हम इसको पकाएंगे। यह चम्मच आपने साथ साथ हिलाते जाना है, चम्मच को नहीं रोकना। अगर आप चम्मच को रोकेंगे तो वो जो चीनी है वो नीचे बैठना लगना शुरू हो जाएगी। और किचन में काम करते हुए सफाई का ख्याल रखने के साथ साथ अपने हाथों को जलने से भी ज़रूर बचाना है। ये आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से बॉयल आ रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये शरबत हमारा जो है वो पक रहा है, इसमें बॉयल आ रहे हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ अरके गुलाब मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 3 चम्मच। इससे वो अच्छी सी इसमें खुशबू आएगी। साथ साथ ये ख्याल रखना है कि चीनी जो है ना वो नीचे ना लगे। ये है केवड़ा, तो इसके हमने तकरीबन 2-3 कतरे डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो जो हमारा ये जो शरबत है इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो ये जहन में रखना है सिर्फ 2-3 कतरे। ये देखने बस
शरबत जो हमारा है आप देख सकते हैं ये पक रहा है। आप भी रेसिपी को दिल से बनाया करें, जब दिल से आप बनाएंगे आपको कुकिंग करना भी आएगी और आप काम में दिलचस्पी भी लेंगे। पूरे किचन में रूह अफ़ज़ा की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि पूरे घर वाले खुश हो रहे हैं कि इतनी अच्छी चीज़ बन रही है। ये देखें अभी हमारा जो शरबत है ये अभी पका नहीं है, मैंने यहाँ पे आधा किलो चीनी का इस्तेमाल किया है। आधा किलो चीनी में मैंने जो पानी है वो भी आधा किलो ही इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ों को डबल कर सकते हैं, उनकी मकदार बढ़ा सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल का हिस्सा बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, क्योंकि ये मेरा नहीं ये आपका चैनल है। तो छोटी मोटी गलती इंसान से हो जाती हैं, अगर आप इग्नोर कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। आप ये देख सकते हैं कि इसमें जो बॉयल आ रहे हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आपके देखने वाले जितने भी हैं आप सबकी हौसला अफजाई किया करें। हौसला अफजाई करने से इंसान का जो काम करने का है वो दिल और भी करता है। अगर आप किसी का दिल तोड़ देते हैं तो फिर इंसान ये सोचता है कि शायद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी रेसिपी में कुछ मसला है। अगर आप हौसला अफजाई करते हैं तो फिर बंदे का दिल करता है कि मैं डेली नई से नई डिश लेके आऊँ। शुरू शुरू में स्टार्ट में होता है कि आप में बहुत सी गलतियाँ होती हैं, लेकिन वक़्त के साथ हर इंसान ही समझ जाता है। मेरा मिशन यही है कि जो मेरी बहनें जिनको कुकिंग नहीं आती, जिनकी अभी शादियाँ होनी हैं, तो वो कुकिंग को स्टार्ट कर दें। और मैं बिल्कुल इजी तरीके से सिखा रही हूँ ताकि जिसको बिल्कुल भी नहीं आती वो भी कुकिंग स्टार्ट कर ले, और जब वो ससुराल में जाए तो उसको किसी की बातें ना सुनना पड़े। तो आप खुशी खुशी से काम किया करें और साथ साथ अपने किचन को बहुत ज़्यादा साफ रखना है, क्योंकि जब रिश्ते देखने आते हैं ना तो सबसे पहले किचन ही देखते हैं। देखें ये जो हमारा शरबत है ये बिल्कुल पक चुका है, इसमें ये चिपचिपाहट सी आपको नज़र आ रही होगी, ये मेरे चम्मच पे भी लगा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये जो हमारा शरबत है ये पक गया। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए रखना है, ठंडा होने पे ये मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना चूल्हा बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें शरबत को मैंने ठंडा कर लिया है, आपको देखने में नज़र आ रहा होगा ये गाढ़ा हो गया है। मैं आपको फिर भी वाजा करके बता देती हूँ, ये देखें इसमें चिपचिपाहट सी। चलें अब हम अपने शरबत को बनाना स्टार्ट करते हैं। गिलास के अंदर मैंने ये बर्फ़ डाल दिया दोनों में, तो इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। आप दो भी डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें 3 चम्मच डालूँगी। और ये मैं डाल रही हूँ तुफ मलंगा, अगर आपको पसंद है तो आप डालें। ये गिलास में मैंने बर्फ और शरबत और तुख मलंगा डाल लिया, अब मैं इसमें ठंडा पानी डालने लगी हूँ। और दूसरे में मैं दूध डालने लगी हूँ। अब ऐसे चम्मच से हल कर लें। अब
देखें ये मेरी फाइनल लुक। अगर आपको ये मेरी ड्रिंक पसंद आए तो आप ज़रूर बनाइएगा और साथ ही मेरी वीडियो का लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो ये अब हम पीते हैं अफ्तारी में, आप भी बनाएं, मेहमानों को भी बुलाएं और ख़ुद भी पिएं और मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं कि आपने ये रेसिपी कैसी बनाई है। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।